गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो में समतल दर्पण की कुछ प्रॉपर्टी छूट गए थे, उसको लेकर आए हैं। देखते हैं क्या छूटा था इनका। 7 नंबर का जो है, एच ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आधी ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए किसी वस्तु का ऊंचाई 6 फीट है, तो उसको देखने के लिए दर्पण का ऊंचाई 3 फीट होना चाहिए। उसके बाद अगला है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हो तो बने प्रतिबिंब की संख्या होगी। इसमें दो कंडीशन है, या यदि थीटा का मान सम संख्या होगा तो उसमें ये कंडीशन लागू होगा, यानी कि 360/θ-1 यदि थीटा सम संख्या हो। दूसरा कंडीषन, यदि थीटा विषम संख्या होगा तो ये कंडीशन लागू होगा, यानी कि 360/θ यदि थीटा विषम संख्या हो। अगला में, यदि दो समतल दर्पण को समांतर रखे हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंब इन्फिनिटी हो जाती है, यानी कि मान लीजिए दो दर्पण पैरेलल में, यानी कि एक दूसरे के समांतर में, तो उसमें क्या होगा, जो कोण बनेगा थीटा को 0 हो जाएगा। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसीलिए जो नंबर ऑफ प्रतिबिंब होगा, जो प्रतिबिंब की संख्या होगी 360/0 यानी कि इन्फिनिटी। हम लोग देख लिए थे दर्पण के बारे में, उसके दो भाग होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण देख चुके हैं, अब देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मीन्स यहाँ लिखा हुआ गोलीय, यानी कि इसका परावर्तक सतह गोलीय होगा, मतलब कांच का वह भाग जिसका एक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण। उसके बाद इसके दो भाग होते हैं, पहला अवतल दूसरा उत्तल, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव। उसके बाद देखते हैं इसका पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मीन्स क्या होता है, अवतल दर्पण को देखते हैं, आओ आओ है ना, आओ आओ मीन्स क्या होता है, आओ माने अंदर आओ, अंदर आओ माने क्या, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। जैसे कि देखते हैं आओ आओ माने इसका परावर्तक सतह जो होगा अंदर की ओर दशा हुआ, जिस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी ये दशा हुआ, ये हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह दशा हुआ होगा। उसके बाद इसका लेपीय सतह उभरा हुआ, भाई जानते हैं कि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा तो एगो सतह तो उठा हुआ रहा ना करेगा, तो वही इसका जो लेपीय सतह है वो उभरा हुआ है। उसके बाद इसका फोकस दूरी ऋणात्मक, ये तो हमें समझ में नहीं आएगी, आगे इसका देखते हैं। अब देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं अवतल दर्पण होता क्या है। अवतल दर्पण परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, क्योंकि जब इस पर कोई भी प्रकाश की किरण पड़ेगी तो क्या करता है, ये सिकोड़ कर और फोकसित कर देता है, ताकि सामने दूर वाले वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। इसी कारण इसका उपयोग वाहन के हेडलाइट में किया जाता है। वही काम करता है, ये लाइट को क्या करता है, सिकोड़ कर और लंबे दूरी तक फोकसित कर देता है, ताकि सामने वाले वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है। हेडलाइट का बनावट इस तरह होता है। एक बार क्या हुआ, क्लास में एक बच्चा हमसे पूछ दिया, बोल सर बोलिए दर्पण जो लगा हुआ रहता है वो तो समतल रहता है, तो उसमें उसका परावर्तक सतह कहाँ दशा हुआ। लेकिन इसी कारण क्या समझते हैं, सब लोग ये ऊपर वाले को ही दर्पण समझते, लेकिन ये वास्तविक ये बल्ब की सुरक्षा के लिए गार्ड के रूप में इसको लगाया जाता है, क्योंकि इसका जो मेन इसका दर्पण जो है ये अंदर वाला होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा टॉर्च। टॉर्च में भी यही कंडीशन लागू होता है, वो भी क्या करता है, ये जो बल्ब का जो रोशनी होता है उसको फोकसित कर लंबा कर देता है, ताकि सामने दूर वाले वस्तु आसान से दिखाई दे सके। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। आंख कान वाले डॉक्टर जो होते हैं क्या करते हैं, मुंह के अंदर वाला भाग को देखना रहता है, इसी कारण इस दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि जो टॉर्च लाइट जो है मुंह में मारता है, उसके बाद अंदर में जो अंदरूनी खराबी होता है उसको आसानी से वो देख। अब देखते हैं सोलर कुकर के बारे में। सोलर कुकर क्या करता है, सूर्य की रोशनी से खाना पकता है, इसके कारण उसके सामने अवतल दर्पण को लगा दिया जाता है और उस पर सूरज की किरण पड़ता है, उसको फोकसित करके सोलर कुकर पर डाल देता है, जिसके कारण उसमें सोलर कुकर में खाना आसानी से पक जाता है। आइए अब देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, यानी कि अभी सारी। अब इसका क्या होता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वैसे गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। अब यहीं पे देख लीजिए ना परिभाषा, राटिएगा का है, वो है ना, वो मीन्स क्या होता है, उठा हुआ, और तल माने सतह, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा। तो जब एक वो सतह उठा हुआ होगा तो क्या उसका जो बैक लेपीय सतह क्या होगा, धंसा हुआ होगा। तो उसके बाद इसका क्या है, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है।
अब देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका काम है कि बड़ा प्रतिबिंब को छोटा दिखाई देना, इसका प्रतिबिंब जो होता है हमेशा छोटा बनता है, जिसके कारण इसको वाहनों के पास दृश्य को देखने में किया जाता है। अब मान लीजिए कोई वाहन आ रहा है, पीछे के दृश्य को देखना, पीछे वाला दृश्य में क्या होता है कि ट्रक आ रहा है उसको बहुत बड़ा करके दिखा देगा, तो पीछे वाले और सारे वाहन नहीं दिखेंगे, जिसके कारण क्या होता है एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। इसीलिए इसका वाहनों के पास दृश्य के रूप में किया जाता है। दूसरा स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो क्या होता है किरण को फैला देता है। अब फैला देता है जिसके कारण मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाश का किरण जब पड़ेगा तो ये क्या होगा चारों तरफ फैल जाएगा और नजदीक की वस्तु में दिखेगी, दूर की वस्तु में उतनी साफ नहीं दिखेगी। इसी कारण इसका स्ट्रीट लाइट और परावर्तक लैंपों में, मैंने सड़क के किराने में जो लैंप लगा हुआ था उसमें होता है। स्ट्रीट लाइट की कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट इस तरह होती है। अब जब ये बल्ब जब जलता है तो उत्तर दर्पण होने के कारण ये क्या करता है जो किरण होता है इसका वो चारों तरफ फैला देता है और वहां पे सारी वस्तुएं दिख जाती है नजदीक वाले। अब देखते हैं गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहला है ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। दर्पण के बीचों बीच भाग को ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, ये वाला बीच वाला भाग हो गया, इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, इसको पोल कहते हैं, ध्रुव। उसके बाद अगला है वक्रता केंद्र में सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोली कांच का बना हुआ केंद्र जिसको काट कर गोली दर्पण से अलग किया जाता है, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे देखिए गोली कांच का, कोई भी गोली कांच ले लीजिए, गोली कांच हो गया, इसको काटेंगे बीचों बीच भाग को, जहां से अलग करेंगे ये वाला बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं वक्रता केंद्र यानी कि सी, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, अब इस फिगर में देखते हैं। अब ये वाले फिगर में क्या होगा, बीच वाला भाग यहां से अलग होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि सेंटर, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद अगला है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी दर्पण में वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच की दूरी क्या, यानी कि ये देखिए पी हो गया और ये सी हो गया, इसके बीच की दूरी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं आर कह सकते हैं, मानी कि आर रेडियस ऑफ वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मेरा हो गया इस फिगर में बन के तैयार हो गया। देखिए ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया रेडियस, ये हो गया पोल। अब इसका फिगर आप लोग सबके सामने बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ ध्रुव है तो यहाँ ध्रुव का फिगर बना लीजिए, यहाँ वक्रता केंद्र है तो यहाँ वक्रता केंद्र का, और यहाँ वक्रता त्रिज्या, यहाँ अलग अलग करके आप लोग बना लेंगे। देखते हैं मुख अक्ष के बारे में, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जाता है। दर्पण, ये दर्पण है, दर्पण पी और सी को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं, पी और सी को मिलाने वाली। उसके बाद अगला मुख फोकस क्या होता है, ये सी और पी के बीच के बिंदु को, यानी कि यहां देखिए सी और पी इसके बीच में कौन है एफ, ये क्या हो गया मुख फोकस। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या कि वक्रता त्रिज्या में क्या होता है, इसके बीच के दूरी को यानी कि यहां से आर यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसमें क्या होता है बीच के बिंदु को फोकस बिंदु या मुख फोकस कहते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला देखते हैं फोकस दूरी में क्या होता है, ये बड़ा वाला एफ, ये इसको क्या कहते हैं फोकस बिंदु, और दर्पण के दूर पी इसके बीच के दूरी को, यानी कि यहाँ के यहाँ का बीच का जो दूरी होगा वो हो जाएगा फोकस दूरी, वो यहाँ देखिए दर्शाया होगा फोकस बिंदु और दर्पण दूर पी के बीच के बिंदु को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। अब इसको आप लोग अच्छे से उतार कर और नोट्स बना लेंगे। अब देखते हैं इसका अंतिम टॉपिक जो है दर्पण के द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है, जो दर्पण होता है उसके ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग के बीच का जो गोलीय दूरी होता है उसको द्वारक कहते हैं। अब दर्पण को एक चीज छूट गया था, एम और एन से सूचित किया जाता है, ऊपर वाले भाग को एम को नीचे वाले से एन को। उसके बाद अगला जो है वो देखते हैं फोकस दूरी, एफ और त्रिज्या के बीच में रिलेशनशिप के बारे में क्या होता है। आप लोग जानते हैं मैथ में भी पढ़े हुए कि त्रिज्या जो होती है हमेशा आधी होती है किसके, तो यहाँ एफ बराबर हो जाएगा क्या आर बाय टू,
एफ बराबर आर बाय टू होता है, उसके बाद आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा टू एफ। ये कैसे होगा, यहां मान लीजिए एक मान लेते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, यही रिलेशनशिप दोनों के बीच में होता है। अभी तक जितना पढ़ा है रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और अब जो है समझ में आ जाएगा। पीछे का वीडियो में जहां भी परेशानी होगा रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद इधर जितना भी जो है इससे रिलेटेड सारे आगे पढ़ने, जितना मेहनत से इधर देखिए जितना समझिएगा उतना ही आगे पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। दर्पण के किरण संबंधित नियम, पहला ये है ना मुख अक्ष, मुख अक्ष सी और पी के बीच के दूरी को मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष के समांतर जितने सारी किरण आएंगे वो मुख फोकस से होकर गुजर जाएंगे, यानी कि ये मुख अक्ष है, इसके समांतर में जितने सारी किरण आ रहे हैं वो मुख फोकस से होकर गुजर जाएंगे। दूसरा नियम है मुख फोकस एफ से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यहाँ मुख फोकस कहाँ है, मुख फोकस से होकर जितना सारा किरण जाएगा वो किसके मुख अक्ष के समांतर, यानी कि सी और पी के जो समांतर गुजर जाएगा, दर्पण से टकराकर मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। अब अगला देखते हैं, वक्रता केंद्र सी से होकर, इसमें क्या होता है कि जिधर से आती है उधर से, वक्रता केंद्र सी से इधर से जाएगा पुनः इसी माध्यम में लौट जाएगा, यानी कि इधर से आएगा तो इधर ही लौट जाएगा, फिर इधर से आएगा तो इधर ही लौट जाएगा।